Hello everyone, today topic is how to create result in Excel sheet. तो result create करने के लिए हम जिस class का हमने result create करना है वो class mention है, तो यहाँ पर मैंने class लिखी हुई है. यहाँ पर मैंने registration number लिया है first column में. आप यहाँ पर serial number लिख सकते हो, यह आपका roll number है, registration number है या admission number है. आपका जो भी criteria है आप उसे यहाँ पर type कर सकते हो. दूसरे यहाँ दूसरा column मेरे पास student name का है, तो यहाँ पर मैंने अपने स्टूडेंट के नेम टाइप किए हुए हैं. अगर आपके पास स्टूडेंट नेम के अलावा कोई अदर डिटेल्स हो, जिससे फादर नेम है, मदर नेम है, या उसकी कोई भी अदर डिटेल्स हैं, वो आप यहाँ पर कॉलम इंसर्ट कर सकते हो, यहाँ पर कॉलम क्रिएट कर सकते हो. तो मैंने जो सब्जेक्ट हैं उन्हें यहाँ पर मैंशन कर दिया है. तो मेरे पास साइंस, इंग्लिश, मैथ, हिंदी, कंप्यूटर मैंने सब्जेक्ट दिए हैं. आपके जो भी सब्जेक्ट हैं आप उन्हें यहाँ पर टाइप कर दें, और उसके बाद जो स्टूडेंट ने जितने नंबर जिस सब्जेक्ट में ऑप्टेन किए हैं वो मैंने यहाँ पर एंट्रीज कर दी हैं. तो आप पहले इस तरह सारी एंट्रीज कर दें, जिस जिस स्टूडेंट के जितने भी स्टूडेंट हैं, जिस स्टूडेंट ने जितने ऑप्टेन जिस सब्जेक्ट में किए हैं वो एंट्री यहाँ पर हो चुकी है. उसके बाद यहाँ पर जो टोटल मार्क्स है वो 500 है. मेरा जो क्वेश्चन पेपर है यहाँ पर ईच क्वेश्चन पेपर 100 मार्क्स का है. तो यहाँ पर जो मेरे टोटल मार्क्स हैं वो 500 हैं. अगर मुझे जानना है कि जो मेरे पास स्टूडेंट है सूरज, उसके साइंस 98, इंग्लिश 65, मैथ में 59, हिंदी 57, कंप्यूटर 57, और उसने जो उसका टोटल है 500, तो उसने कितने ऑप्टेन किए हैं, उसके लिए मैं यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ करने वाली हूँ. इज इक्वल टू सम, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, और जो सूरज के मार्क्स हैं उसे मैं उस रेंज को सिलेक्ट कर रही हूँ. तो सूरज के जितने जो सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहे हैं साइंस से, 98 मैंने यहाँ पे क्लिक किया, तो C3 यानी कि ये सूरज के साइंस के मार्क्स मैंने सिलेक्ट किए हैं. और इसी तरह मैं इसे सिलेक्ट करते हुए कंप्यूटर तक जो लास्ट सब्जेक्ट है मैंने यहाँ तक सिलेक्ट किया है, तो C3:G3. तो इसने सारे सब्जेक्ट ले लिए हैं, C3: यहाँ पर कॉलन है, यानी कि C3:G3. मैं ब्रैकेट क्लोज कर रही हूँ और एंटर बटन प्रेस कर रही हूँ. तो एंटर बटन प्रेस करते ही यहाँ पर 335, तो सूरज ने जो ऑप्टेन मार्क्स लिए हैं 335, 500 में 335. तो इसे मैं ड्रैग कर देती हूँ, ये पूरी जो मेरे पास जितने स्टूडेंट हैं सब में अप्लाई हो जाएगा. तो इससे मैं जितने भी स्टूडेंट हैं उनके ऑप्टेन मार्क्स निकाल सकती हूँ. नेक्स्ट हमारे पास परसेंटेज है, तो परसेंटेज के लिए हम यहाँ पर इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे, और मैं यहाँ पर ब्रैकेट स्टार्ट कर रही हूँ. जो ऑप्टेन मार्क्स हैं, तो यहाँ पर ऑप्टेन मार्क्स मुझे सूरज का परसेंटेज निकालना है, तो मुझे सूरज के ही जो ऑप्टेन मार्क्स हैं वो रेंज सेलेक्ट करनी है. तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर क्लिक किया, और क्लिक करते ही इसने इसे सेलेक्ट कर लिया I3, यानी कि ये सेल सूरज के ऑप्टेन मार्क्स वाला, और डिवाइड 500 के साथ. तो मैंने 500 में क्लिक किया, तो इसने मुझे I3:H3 यानी कि ऑप्टेन मार्क्स डिवाइडेड टोटल मार्क्स और मल्टीप्लाई 100. फिर मैंने इसे ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर बटन प्रेस किया. तो यहाँ पर जो सूरज की जो परसेंटेज है वो 67 है. इसी तरह अगर इसे हम ड्रैग कर दें तो जितने भी स्टूडेंट हैं उनकी हमें परसेंटेज पता चल जाएगी कि सबकी कितनी परसेंटेज यहाँ पर आ रही है. नेक्स्ट हमारे पास ग्रेड है, तो ग्रेड के लिए मुझे यहाँ पर चेक करना है कि किस स्टूडेंट का कौन सा ग्रेड है, ए ग्रेड, बी, सी, डी. तो उसके लिए हमें कोई क्राइटेरिया बनाना पड़ेगा. तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक क्राइटेरिया रेडी किया हुआ है, ये मेरी परसेंटेज है और ये ग्रेड में जो लेटर मैं शो करना चाहती हूँ. तो यहाँ पर 90 to 100, तो उसका ए प्लस, 80 to 89 के बीच में अगर उसकी परसेंटेज आती है फिर ए. इसी तरह 70 to 79 के लिए बी, 60 to 69 के लिए सी, 50 to 59 के लिए डी, और अगर वो 50 से नीचे, यानी कि 49 से नीचे 49 तक उसकी जो परसेंटेज आती है फिर एफ, फेल. तो उसके लिए मुझे यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ करना होगा ग्रेड के लिए. तो मैं यहाँ पर इज इक्वल टू इफ लगाऊंगी, इफ लॉजिकल फंक्शन है. तो इफ ब्रैकेट स्टार्ट किया, और जो परसेंटेज है तो यहाँ पर मैं किसकी ग्रेड निकाल रही हूँ, तो फर्स्ट स्टूडेंट यहाँ पर मेरे पास सूरज भारद्वाज है. तो मैंने इज इक्वल टू इफ और सूरज की परसेंटेज मैं सिलेक्ट करूँगी, तो सूरज की परसेंटेज पे मैं क्लिक कर रही हूँ, और इसके बाद ग्रेटर देन का साइन लगाएंगे. तो इफ J3 यानी कि सूरज की परसेंटेज ग्रेटर देन 90.
अगर सूरज की जो परसेंटेज है वो 90 से ज़्यादा आई तो यहाँ पर क्या लिखे आई कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो भी वर्ड मैं यहाँ पर टाइप करूँ, तो मैंने ए प्लस लिखा, ए प्लस, क्योंकि 90 के लिए यहाँ पर, 90 to 100 के लिए हमारे पास क्या है ए प्लस, तो मैंने इसे इन्वर्टेड कॉमा में ए प्लस लिख दिया। फिर मैंने कॉमा बटन प्रेस किया, अगेन इफ ब्रैकेट स्टार्ट, ब्रैकेट स्टार्ट करके मैंने फिर जो मेरी परसेंटेज है उसे मैंने सेलेक्ट किया, फिर ग्रेटर देन का साइन लगाया, ग्रेटर देन 80, तो नेक्स्ट हमारे पास ए है तो उसके लिए यहाँ पर हमें चाहिए 80, तो मैंने 80 टाइप किया, 80 से ज़्यादा हो तो ए आई, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में मैंने ए दिया, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, कॉमा अगेन इफ ब्रैकेट स्टार्ट, फिर हम नेक्स्ट के लिए लगाएंगे बी के लिए, इसी तरह सी डी और एफ। तो उसके लिए मैं इसे कॉपी कर रही हूँ, कॉपी मैंने इसे कॉपी किया यहाँ तक, इसे बड़े ध्यान से आप सेलेक्ट करें, इसे मैं कॉपी कर रही हूँ, और कॉपी करके जो ये ए लिखा है कॉमा, इसके बाद यहाँ पर मैं इसे पेस्ट कर रही हूँ, कंट्रोल सी से मैंने कॉपी कर लिया और कीबोर्ड से कंट्रोल वी मैं इसे पेस्ट कर रही हूँ, इसे मैं 2-3 बार अप्लाई कर देती हूँ, तो यहाँ पर 90, 80, अब हमें 70, तो यहाँ पर मैंने 7 लिख दिया, 70 70, तो 70 के लिए हमें क्या चाहिए बी, तो यहाँ पर जो ए प्लस है इसे मैं हटा के बी टाइप कर देती हूँ, तो मैंने इसे बी टाइप कर दिया 70। 70 के बाद हमें क्या चाहिए 60, तो ये जो 90 है इसे मैं 60 कर देती हूँ, और यहाँ पर बी तो है, अब बी के बाद हमें क्या चाहिए सी, तो ए प्लस की जगह हम सी टाइप कर देते हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास है, अब हमें चाहिए 50, तो जो ये नंबर है यहाँ पर मैं 50 लेके आती हूँ, और सी हो चुका है डी, तो डी के लिए हम जो ये ए प्लस है इसे हम डी टाइप कर देते हैं कॉमा। अब लास्ट हमारे पास है अगेन इफ ब्रैकेट स्टार्ट, और जो मेरी परसेंटेज है मैंने उसे सिलेक्ट किया, यहाँ तक डी हो चुका है, जो लास्ट हमारे पास है एफ, तो एफ यहाँ पर 50 से नीचे, 50 से नीचे जितने भी हों वो फेल, एफ फेल, तो इसके लिए लेस देन, यहाँ पर जो 0 to 49 तक परसेंटेज है वो एफ यानी कि फेल, तो 50 से नीचे तो मैं यहाँ पर J3 लेस देन 50 कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मैंने एफ टाइप किया, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, और फिर मैं ब्रैकेट क्लोज कर रही हूँ, तो ब्रैकेट मैंने जितनी बार ब्रैकेट स्टार्ट की है उतनी बार यहाँ पर मुझे ब्रैकेट क्लोज भी करनी पड़ेगी, तो हमने 6 टाइम किया है, 1 2 3 4 5 6, और मैं यहाँ पर एंटर बटन प्रेस करूँगी, तो सूरज ने 67% लिया है, तो 67, 60 to 69 के बीच, तो उसकी सी सी ग्रेड आई है, तो यहाँ पर जो हमने ग्रेड के लिए इफ फंक्शन यूज़ किया है बिल्कुल सही काम कर रहा है, इसे मैं ड्रैग कर रही हूँ और पूरे जितने स्टूडेंट हमारे पास है, जो डेटा हमारे पास बना हुआ है सब में अप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर हम चेक कर दें ए 81.6, तो यानी कि ए 80 to 89, इसी तरह बी जो दूसरा स्टूडेंट है 71 बी, तो 71 70 to 79 बी, तो ये बिल्कुल सही चल रहा है। तो यहाँ पर जो मेरे पास नेक्स्ट है वो है रैंक, रैंक यानी कि अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो ए ए वाले काफ़ी स्टूडेंट है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर रैंक का फॉर्मूला यूज़ करूँ, पर इज इक्वल टू रैंक ब्रैकेट स्टार्ट, और जो मेरा परसेंटेज है मैं परसेंटेज पे क्लिक करूँगी, तो मैंने परसेंटेज पे क्लिक किया, कॉमा बटन प्रेस किया, और फिर मैं पूरी रेंज सेलेक्ट कर रही हूँ, तो मैंने पूरी रेंज सेलेक्ट की है, और पूरी रेंज सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मैंने इसे कीबोर्ड से F4 फंक्शन की प्रेस किया है, और F4 बटन प्रेस करते ही यहाँ पर डॉलर के साइन आ चुके हैं, J3, J3 यानी कि परसेंटेज फर्स्ट जो सेल है कॉमा, डॉलर लग चुका है, और J$3, तो J3 से डॉलर J22, यानी कि जो पूरी रेंज है इसने यहाँ पर जो F4 लगाया, F4 का मेन जो फंक्शन होता है वो होता है फिक्स करना, लॉक करना सेल को, तो इसने जो परसेंटेज वाली जो रेंज है इसे पूरी रेंज को लॉक कर दिया है, और मैं यहाँ पर ब्रैकेट को क्लोज कर रही हूँ और एंटर बटन प्रेस कर रही हूँ, एंटर बटन प्रेस करते इसने मुझे 16 आंसर दिया है, और मैं इसे ड्रैग करती हूँ फर्स्ट यानी कि 88, तो हम चेक कर लेते हैं यहाँ पर 88.68। अगर इसे इस रैंक को मैं चाहती हूँ कि जो मेरा रिजल्ट है वो रैंक के अकॉर्डिंग सॉर्ट हो जाए,
तो मैं इसे सिलेक्ट कर रही हूँ। होम टैब के अंदर आपके पास जो लास्ट ऑप्शन है सॉर्ट, और यहाँ पर स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट और लार्जेस्ट टू स्मॉल, आप इसे किस तरह सॉर्ट करना चाहते हो। तो मैं इसे स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट में चेंज करना चाहती हूँ कि पहले वन नंबर आए फिर टू आए। तो मैंने इसे क्लिक किया, मुझे ऑप्शन दी है एक्सपेंड द सिलेक्शन, तो मैं यहाँ पर क्लिक और इसे सॉर्ट करूँगी। तो सॉर्ट करते ही आपने देखा कि यहाँ पर डेटा चेंज हो चुका है सारा। तो ये रैंक के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर सॉर्ट किया है। तो ये आप ग्रेड भी दे सकते हो, यहाँ पर ए बी और ये सी ग्रेड वाले सारे स्टूडेंट। तो आपने देखा कि हमने किस तरह से यहाँ पर रिजल्ट क्रिएट किया है। उसके लिए हमने यहाँ पर ऑप्टेन मार्क्स के लिए सम का फॉर्मूला यूज़ किया है, परसेंटेज और ग्रेड रैंक के लिए भी हमने अलग अलग फॉर्मूले यूज़ किए हैं यहाँ पर। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे प्रोटेक्शन के ऊपर, किस तरह से हम शीट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, वर्कबुक को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।